मनना माई के प्रांगण में। तो स्वागत है आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दिनेश राणा पहाड़ी ब्लॉग से। आज आया हूँ मैं मनसोना गांव में, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो मेरी कर्म स्थली भी है। मैं जब 3 साल का था तब यहाँ पढ़ाई के लिए आया था, मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते थे, और 3 साल से आप ये लगा दे दीजिए BSc तक जब मैं अगस्तुनी गया, यहीं से इंटर किया मैंने। इंटर कॉलेज सामने है, अभी वहाँ ले जाऊँगा मैं आपको इंटर कॉलेज में। तो इस गांव में मैंने 20 साल अपने जो है जो बचपन एक प्रकार से यही गुजार रखा है, और मैं इस समय हूँ मां मनना माई के प्रांगण में। आप देख रहे होंगे मनना माई का मंदिर यहाँ पे है। तो दोस्तों, मनना माई की विशेषता ये है, यहाँ पे एक तो जो पंच केदारों में से जो द्वितीय केदार है मध्य महेश्वर जी, उनका एक यहाँ पे जो है पड़ाव होता है आते और जाते समय, क्योंकि 6 माह के शीतकाल प्रवास पे जो है उखी मठ में जहाँ पे श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली आती है वहीं पर मध्यमेश्वर जी का पड़ाव रहता है, और 6 महीने अपने धाम को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्थान की ये महत्ता है कि मेरा जो है पिछला ब्लॉग आपको ऊपर आइकॉन उस पर दिखाई वो वीडियो दिखाई देगा, तो सामने ठीक जो है कालीशिला का मंदिर जहाँ पे मैं अभी मेरा पिछला ब्लॉग है वहाँ की मैंने महत्ता बताई थी, तो उसी से जो है संबंध इस स्थान का है। तो जो माँ कालीशिला है तो उस प्रकार से जो है सुम और निसुम जो दैत्यों का यहाँ पे इस प्रकार से अत्याचार समय पृथ्वी पे बड़ा था, और देवता लोग माँ के पास गए थे आग्रह करने कि पृथ्वी को इन दैत्यों के अत्याचार से बचाया जाए। तो माँ मनना ने अवतार लिया, और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे उनके सैनिकों को जो सुम निसुम के सैनिकों को यहाँ पे जो है मारा था माँ ने, और इससे आगे एक मनना है जो असली मननी, ये मनना है मनसोना, इसीलिए इस गांव का नाम पड़ा। और मननी एक स्थान है जहाँ पे कि राशि गांव के लोगों के द्वारा प्रत्येक साल जो है 4 दिन के एक जो है जात वहाँ पे जाती है, मधुवेश्वर के रास्ते में है, और वहाँ पे जो है उसको वरदान था उस सुम निसुम दैत्य को कि आप जब हिमालय को टच करेंगे तो आपकी जो आप अजर अमर हो जाएंगे। तो माँ ने उनको जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। इससे आगे स्थान है बहुत जो है दुरो स्थान पर है, ट्रैकिंग स्थल भी है, तो वहाँ पे जाके उनको रोक लिया था, उनका वध किया था। और आगे आप आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये पत्थर है, ये घराट का एक स्वरूप यहाँ पे देखिए, कोई जो है बताए जो कि पौराणिक मान्यता है, जब कोई इस पत्थर की कटिंग कर रहा था तो इससे जो है रक्त की बूंदें निकलने शुरू हो गई थी इस पत्थर से, तो वहीं पे अपना उस ने काम रोक दिया था और उसको लगा कि ये कोई दैवीय पत्थर है यहाँ पे। तो दोस्तों, जब मध्यमेश्वर की भगवान मध्यमेश्वर की डोली आती है, यहाँ पे एक पड़ाव होता है, पड़ाव गिरिया गांव में होता है, लेकिन यहाँ पे गांव वालों का एक भोग लगता है देवता को, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ यहाँ पे भगवान मध्यमेश्वर की जो है डोली को बैठाया जाता है, इसमें जौ डाले जाते हैं, आप इसका स्लोप देख रहे होंगे पत्थर का, बिल्कुल जो है डोली को रख के और बाकी यहाँ पे भोग लगता है। तो डोली इस जो है इस शिला में बिल्कुल मतलब डोली खड़ी रहती है इसमें, तो आप मान लीजिए कि कितना बड़ा चमत्कार इस स्थान पर, और कितनी देवीय भूमि है, एक प्रकार से हम सिद्धपीठ भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मनसोना गांव के लोगों ने यहाँ पे बढ़िया सा एक सौंदर्यीकरण भी कर रखा है इस प्लेस का, बीच गांव का रास्ता जाता है, और बहुत ही जो है यहाँ पे जो है जो और दोस्तों ये मंदिर है, यहाँ अंदर केवल पंडित जी जाते हैं, यहाँ पे सीधे अंदर गर्भगृह है, वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, और किसी विशेष कोई विशेष पूजा होती है तब वहाँ अंदर गर्भगृह में पंडित जी पूजा करने जाते हैं। तो माना जाता है कि अंदर जो है यहाँ पे गर्भगृह में शेषनाग जी रहते हैं,
तो दोस्तों आप जब कभी भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मधुमेश्वर का ये रूट है, यहाँ से मधुमेश्वर आपका रांची तक रोड है 5 किलोमीटर की दूरी पे, और उससे आगे आपको 20 किलोमीटर का जो है